तो क्वेश्चन है वेव एंड डॉपलर एग्जांपल के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर 197 नंबर शीट है. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज एफ व्हेन द वेट्स प्रोड्यूसिंग द टेंशंस आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर फ्रीक्वेंसी बिकम्स एफ बाय टू. देखो सोनोमीटर अगर आपको याद हो मैंने बताया था सोनोमीटर स्ट्रेच स्ट्रिंग है. तो अगर ये एक स्ट्रिंग है जो बिल्कुल खिंची हुई है और ये वेट्स हैं और यहां पर एक वेट टांग रखा है कितना डब्ल्यू डब्ल्यू वेट है. तो अगर मैं ये वेट चेंज करता हूं तो यहां पर क्या चीज चेंज होती है टेंशन. और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2L रूट टी बाई म्यू. तो वेट चेंज होगा तो टेंशन चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी सिंपल है. तो इसके अंदर वो कह रहा है कि सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी वैसे तो एफ है जब वेट डब्ल्यू है. जब उसको पानी में डाल दिया वाटर में डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू हो गई. जब किसी लिक्विड में डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी एफ बाई थ्री हो गई. तो आपको क्या निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड निकालना है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा स्ट्रेच स्ट्रिंग का 1/2L रूट टी बाई म्यू और टेंशन क्या होगी यहां पर एम जी. तो केस नंबर वन फ्रीक्वेंसी एफ है जब वेट एम जी है स्क्वेयरिंग करके फर्स्ट इक्वेशन. केस नंबर टू जब पानी में डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू है और टेंशन वेट क्या हो जाएगा वेट माइनस अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट में वी रो जी में डेंसिटी ऑफ वाटर स्क्वेयरिंग करके आंसर सेकेंड इक्वेशन. तीसरे केस में फ्रीक्वेंसी एफ बाई थ्री है जब यहां पर टेंशन एम जी माइनस वी रो जी लेकिन डेंसिटी किसकी लिक्विड क्योंकि अपथ्रस्ट लिक्विड का माइनस हुआ है. इन तीनों को फिर सॉल्व करके आंसर आएगा. मेडिकल में तो नहीं आएगा नॉन मेडिकल में भी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है आजकल बट हाँ एक मेथड है क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने कर लिया था. ये वाला क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन है स्टेशनरी सोर्स इज एमिटिंग साउंड एट अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ नॉट. तो एक सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी कितनी बाहर निकाल रहा है एफ नॉट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय टू कार्स अप्रोचिंग द स्टेशनरी सोर्स. एक सोर्स के पास ना दो कार्स आ रही हैं सामने. अब सोर्स क्या है साउंड निकाल रहे सामने कार्स हैं तो हुआ क्या कि साउंड गई आती हुई कार से टक्कर हुई रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई पहली कार से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई दूसरी कार से. दो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल एफ नॉट है पर वापस क्या आ रही है एफ वन एंड एफ टू. तो क्या निकालना है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1.2% ऑफ एफ नॉट है जो दोनों कार से रिफ्लेक्ट होके फ्रीक्वेंसीज आई उनका जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो 1.2% ऑफ एफ नॉट है. तो क्या करना है आपको आपको इसमें निकालना है स्पीड ऑफ द कार्स नियरेस्ट इन टीचर में निकालना है. मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला करवाया नहीं है डॉपलर्स में कि सोर्स खड़ा है और कार आ रही है चलती हुई कार से रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस आए. तो फॉर्मूला पहले बनाया गया है इसमें. तो एक कार है जिसकी वेलोसिटी वी वन है और ये सामने सोर्स है. तो हुआ क्या एफ नॉट साउंड आई. अब सोचो ये ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर अगर भागता हुआ आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वी प्लस वी वन बाई वी इंटू एफ नॉट. क्या ये पॉइंट क्लियर है. तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है मान लो कार ऑब्जर्वर है तो कार तक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की जगह एफ वन पहुंची. अब कार से टकरा के फ्रीक्वेंसी वापस पहुंची. अब सोच लेते हैं यहां सोर्स बैठा है और यहां से कार से टकरा के एफ वन से एफ टू पहुंचेगी. इमेजिन ये करें ये सोर्स पास होके आ रहा है. जब सोर्स पास आ रहा है ऑब्जर्वर के यस ये जो कार जो है पास आ रही है तो ये ऑब्जर्वर कितना एक्ट करेगा. तो ये फॉर्मूला लगेगा ऊपर का फॉर्मूला नीचे पुट करके ये फॉर्मूला बनेगा. तो आप एक काम करें न्यूमेरिकल में ना फॉर्मूला नहीं बना पाए ये फॉर्मूला याद ये कब लगाना है ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एक सोर्स एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से साउंड निकाल रहा है सामने कार आ रही है कार से टकरा के साउंड वापस आ रही है तो ये फॉर्मूला लगाना है दैट्स इट. अब कार्स कितनी है दो पहले ये फॉर्मूला फर्स्ट कार का लगेगा फिर ये सेकंड कार का लगेगा. और डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 1.2% ऑफ एफ नॉट. तो ये वैल्यूज को पुट करेंगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर ओपन करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे क्योंकि काफी बड़ी क्वेश्चन है. न्यूमिनेटर तो सॉल्व करके आसान सा बन गया क्योंकि आपको इसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब v1 माइनस v2 निकालना है. प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व होगा. तो इसने क्या किया साउंड की स्पीड कार की स्पीड से बहुत बड़ी होती है तो v के मुकाबले v1 को निगलेक्टेड v के मुकाबले v2 को निगलेक्टेड v स्क्वायर आंसर.
अब ये निग्लेक्टेड वाली टर्म हमने कभी की नहीं, पहली बार की है, कैसे निग्लेक्ट करके भी आंसर आता है। नीट और एनसीईआरटी वाले आराम से बैठे, कुछ नहीं आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े एक बार डॉपलर्स का। मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट एट 2 m/s², तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सलरेट करता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटरसाइकिल देयर इज अ स्टेशनरी सायरन, हाउ फार हैज द मोटरसाइकिल गॉन व्हेन ड्राइवर हियर अ फ्रीक्वेंसी 94% ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो अगर वो सुनने वाला जो दूर जा रहा है, मोटरसाइकिल दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। कम होती होती 94% होगी, तो मोटरसाइकिल की स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सुनने वाला दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, और वहां जाके उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 94%, तो 94% कर दिया, सॉल्व करके ऑब्जर्वर की स्पीड आ गई, क्योंकि ऑब्जर्वर एस से स्टार्ट हुआ था, तो v² - u² 2as से आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय सोर्स चेंजेस बाय 10% As it moves away from observer, तो source अगर observer से away जाता है तो उसकी frequency कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है, तो बची कितनी 90%। As it moves towards the observer the same speed, तो कितने percent से frequency बढ़ेगी ये बताओ, वो दूर जा रहा है तो 10% से गिर गई, वो पास आ रहा है कितने percent से बढ़ेगी ये बताओ, जब दूर जा रहा है तो formula ये लगेगा दूर जाने का, observer का, source का, source दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी 10% गिर गई तो बचे कितनी 90%, सॉल्व करके स्पीड ऑफ सोर्स आ गई, सोर्स की स्पीड आ गई। अब सोर्स पास आ रहा है, पास आ रहा है तो ये फॉर्मूला, और इसकी जगह कितना v/9, तो ये नई फ्रीक्वेंसी आ गई, उसने परसेंटेज चेंज पूछा, तो ये फ्रीक्वेंसी में से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को माइनस करके परसेंटेज चेंज कैन बी कैलकुलेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। A uniform rope having a mass m hangs vertically from a rigid support. ये टांग दिया हमने, और वो कह रहा है कि एक ना ट्रांसवर्स पल्स दी, झटका दिया ऐसे, तो जब वो झटका पल्स h हाइट पर पहुंची तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या थी ये निकालो। अब वेलोसिटी स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होती है, √T/μ। टेंशन क्या है यहाँ पर, h हाइट पर m/l × h × g, पुट कर दिया, म्यू और मास पर यूनिट लेंथ कैंसिल, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, √gh, सीधा लगा लेना √gh। तो इसने ग्राफ पूछ लिया अगर वेलोसिटी और h का, तो मैथ्स पे लोग जानते हैं v और h का अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर करेंगे v² = h, पैराबोला ग्राफ बनेगा। मेडिकल वालों के लिए हालांकि मैंने बताया भी हुआ है कि अगर मान लो इक्वेशन है x² + 4py वेयर दिस टर्म इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये नॉन मेडिकल वालों को करवाया जाता है उसमें मैथ्स में, मेडिकल वालों के लिए पैराबोला ऊपर बनता है नीचे बनता है उनको बता रहा हूं मैं। x² + 4py अगर p < 0 है तो ये टर्म नेगेटिव आएगी तो ग्राफ नीचे बनेगा, और ऐसे ही अगर ये y² + 4px है तो ग्राफ राइट बनेगा, नहीं तो लेफ्ट बनेगा। चार ग्राफ्स हैं इसमें लिखे हुए हैं, मेडिकल वाले देख सकते हैं तब कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है आइडिया हो जाएगा, नहीं तो पता ही लगता। ये क्वेश्चन देखे,
ऑर्गन पाइप ओपन है, एल लेंथ है, साउंडेड टुगेदर विद अनदर ओपन पाइप ऑफ लेंथ कितनी, एल प्लस एक्स। तो एक ही लेंथ एल है, एक ही एल प्लस एक्स है। स्पीड ऑफ साउंड वी है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक्स बहुत छोटा है एल से। तो जो ओपन जो ऑर्गन पाइप है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो पहली पाइप में से फ्रीक्वेंसी वी बाई टू एल है और दूसरी में से एल प्लस एक्स है। प्रॉब्लम क्या है कि माइनस करने के बाद आंसर आएगा, ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलेगा नहीं आपको। आप हद से हद क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आंसर इसका ये है ही नहीं, आंसर आपको ऐसा छोटा सा मिलेगा। तो ये स्टाइल देखो, इसमें v बाई टू एल कॉमन निकाल लिया, मेडिकल और उसमें नहीं आएगा नीट में, v बाई टू एल कॉमन निकाल लिया, तो ठीक कर लेना v बाई टू एल। तो l ऊपर आ गया, l नीचे ले आना, इसको पूरे को ऊपर ले आना, x बहुत छोटा है l से, मैथ वाले लोग समझ सकते हैं, बाइनोमियल लगेगी, बाइनोमियल अपने आप छोटा आंसर आ जाएगा। अब ना कर रखा हो तो किसी को क्या पता लगेगा कि बाइनोमियल भी लगेगी। अब एक बार देख लिया, ऑब्जेक्टिव में देख सकते हो कि इतने बड़े आंसर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये ट्रिक है। व्हेन सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ वी एस, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ। क्वेश्चन है कि ये जो है ऑब्जर्वर है, सोर्स पास आया, इसको क्रॉस कर गया, सोर्स पास आया, इसे क्रॉस कर गया। तो जब सोर्स पास आएगा फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई सुनाई देगी, जब दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो आपको इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो। सोर्स पास आ रहा है ये फॉर्मूला, दूर जा रहा है ये फॉर्मूला, प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शन ऐसा गिवन होगा। तो इसे जब माइनस करेंगे तो वही सेम स्टाइल, वी से डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, बाइनोमियल बाइनोमियल आंसर। अब ये ट्रिक है, ठीक है, ये हमने कर लिया, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम है, ये करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, एन ओपन पाइप ऑफ सफिशियंट लेंथ इज डिपिंग इन वाटर विद द स्पीड ऑफ वी। एक पाइप नीचे डिप कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी। इफ एट एनी इंस्टेंट एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब अबव द वाटर, तो एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब जो इसके ऊपर है, द रेट एट विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंजेस। अब इसमें पाइप इज क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड है, तो फॉर्मूला फंडामेंटल का वी बाई फोर एल, वी की जगह ये सी यूज कर रहा है, बात अलग है, सी बाई फोर एल। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी डी बाई डी टी। तो यहाँ से सी बाई फोर बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ वन बाई एल, एल ऊपर चला गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस वन एल की पावर माइनस टू इंटू डी एल बाई डी टी। अब डी एल बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वी, तो वी पुट कर देना आंसर, ये ऑप्शन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स,